हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस. आई एम नवदीप कौर एंड मेरे साथ है दीपशिखा. एंड दीपशिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस. और दीपशिखा का सेंट्रल थैंक यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर, जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी पीएचडी में एडमिशन हुआ है. एंड तेजपुर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपशिखा यू मैम। जी. हाँ जी, आप शेयर कीजिए अपनी पीएचडी की जर्नी, कैसे आपने इसमें एडमिशन ले पाए. मैम जनवरी में मैंने एक बार नवंबर में भी दिया था फर्स्ट मेरा पीएचडी का इंटरव्यू। बट मुझे उस टाइम ये भी पता नहीं था कि रिसर्च प्रपोजल वैसे लेके जाना पड़ता है और रिसर्च पेपर भी आजकल हो गया है मैंडेटरी, एक या दो पीएचडी के एंट्रेंस इंटरव्यू के टाइम एक या दो होने से अच्छा है। तो वो सब मुझे पता भी नहीं था। तो इसके बाद जनवरी में मैंने आपका देखा, आपका क्लास ऐसे रिसर्च पेपर का चल रहा है, तो मैंने फिर आप इसमें एनरोल किया। और फिर उस पेपर के दौरान आपने जो सिस्टम सिखाया, मुझे पेपर एक्चुअली पता भी नहीं था कि कैसे लिखते हैं। मैंने डिसर्टेशन किया हुआ है एमकॉम में, बट रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो आपने ही मेरा सब कुछ गाइड किया, ईच एंड एवरी स्टेप, ऐसे बोल सकते हैं कि हाथ पकड़ के जो करवाते हैं आपने वो जी किया मैम। तो मेरा रिसर्च पेपर फर्स्ट मैंने आपसे किया, एक पेपर कंप्लीट किया, और वो आपने ही सजेस्ट किया था कि फिर कॉन्फ्रेंस में भी दे सकते हैं, तो वो भी मैंने किया। अभी राइट. अगस्त को कॉन्फ्रेंस था। तो उसके बाद प्रपोजल का भी मैंने देखा कि पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल का भी आप क्लास कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है पेपर भी किया, बट प्रपोजल में कुछ तो अलग होगा। पीपीटी देना होता है, रिसर्च पेपर अलग है, प्रपोजल में कुछ तो अलग होगा। तो मैंने फिर वो क्लास लिया, तो उस टाइम मुझे उतना ज्यादा कुछ नया नहीं लगा आपके क्लास में, कि पेपर में बहुत कुछ आपने ऑलरेडी करवा दिया था। तो फिर उस टाइम पे जैसे आपने पीपीटी में कैसे प्रेजेंट करना होता है, सब कुछ टेक्निक्स, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, ये सब कुछ पता भी नहीं था आपने इतने अच्छे से करवाया। और इवन जब मैंने मेरा जो पीएचडी का इंटरव्यू हुआ, जब मैं गई तब मुझे पूछा गया कि ये जो लिखा तुमने खुद ही लिखा ना, तो मैंने तो खुद ही लिखा, बट मैंने फिर गाइडेंस आपका ही तो था, इतना अच्छा अच्छे से आपने गाइड किया। तो फिर जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे, तो आपने ऐसे बस कि आपने करवा दिया, जो प्रपोजल है वो आपने करवा दिया वैसा नहीं था। आपने ये भी बोला कि कैसे टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, कैसे प्रिपेयर होना है। मुझे एक्स्ट्रा करके आपका पीएचडी का जो इंटरव्यू का मॉक है वो देना भी नहीं पड़ा, आपने जैसे बोला वैसे मैंने खुद प्रिपेयर किया करके, फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया मैम। आप ही के लिए आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। और मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कॉलेज में, मेरा स्लेट क्लियर हुआ है, नॉट दिस स्लेट, तो कॉलेज में जब कोई इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तब रिसर्च पेपर एपीआई के लिए चाहिए होता है, तो और वो कैसे करना है उस चीज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना ही मुझे किसी से गाइडेंस मिल रहा था कि कैसे कर सकते हैं। तो मैम आप ही के वजह से हुआ है। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच. एंड आपकी मेहनत भी है, क्योंकि आप लोग जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, असाइनमेंट देती हूँ, वो आप बनाते भी हो तब आप जाके आपका होता है ना. तो रिसर्च पेपर का आपने कोर्स लिया था मेरा, और स्टेप बाय स्टेप एक एक असाइनमेंट जब मैं आपको दे रही हूँ और वो आप खुद से बना रहे हो, तो आपका जो बेस बन रहा है आपने यही बताया कि वो आपके लिए बेनिफिशियल था. तभी उन्होंने पूछा कि क्या ये आपने बनाया था. ठीक है, सो अब हाँ आप, मैम, हाँ जी, आपका एनी सेट सेट जो है वो एसलेट क्लियर है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला आपने आपने बताया. ग्रेट, हाँ मैम। ठीक है. और नेट जेआरएफ में से नहीं मैम, मेरा नेट थोड़े के लिए नहीं हुआ लास्ट टाइम 96 में जाके अटक गया, चलो कोई बट नहीं. मुझे ये भी क्लियर करवाना करना है आपसे, आप ही के क्लास जरूर, से। ऑल द बेस्ट उसके लिए अभी भी, बस नेट जेआरएफ के लिए. अब ही है, जो भी होगा आपसे के गाइडेंस से ही होगा। थैंक यू. अच्छा, अब हम देखते हैं कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस हुआ था क्या. एंट्रेंस नहीं हुआ मैम, मेरा स्लेट की वजह से वो एग्जेम्पशन मिल जाते।
एंट्रेंस देना एडमिशन है। किया था कि आपका वो जो नॉर्थ ईस्ट सेट था उसकी वजह से आपको एग्जाम्प्ट हो गया और आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गए थे, राइट जी। अब जी मैम, हाँ जी, इंटरव्यू में उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? इंटरव्यू में जैसे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, स्टैटिस्टिक्स के भी, जैसे मेरा जो था उसमें रिग्रेशन रिलेटेड पूछे थे, क्योंकि मैंने सेम वाला यूज किया था, तो उसका रिग्रेशन में क्या, क्यों वो क्यों यूज नहीं किया, वो सब टेक्निक्स रिलेटेड जो भी मैंने यूज किया मेरे प्रपोजल में टेक्निक। और मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड भी पूछे थे, जैसे मेरा तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है सब्जेक्ट, तो उसके रिलेटेड जैसे IFRS और Ind AS जो है उसमें मतलब क्या, हाँ तो वो उसके रिलेटेड और अकाउंटेंसी रिलेटेड पूछे थे। हाँ यही सब। ठीक। सो इसका मतलब आपके सब्जेक्ट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स और आपका खुद का जो प्रपोजल है, ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए सो दैट इंटरव्यू में आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट या फिर बताना चाहो कि भाई कैसे आपको PhD के लिए एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैम, PhD के लिए अगर एडमिशन लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से कोई भी जैसे नेट स्लेट जो एंट्रेंस होता है, अगर उस मोड से जाया जाए तो नेट या फिर स्लेट किसी का प्रिपरेशन करके अगर क्वालिफाइड है तो अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये देना नहीं होता। और एंट्रेंस भी अगर देते हैं प्लस सपोज नेट या स्लेट के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं किए, बट फिर भी एंट्रेंस के लिए वो अच्छे से पेपर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के भी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का एंट्रेंस दिया है, वहाँ पे एंट्रेंस देना होता है, तो मैंने वो दिया है, तो मेरे लिए वो ज्यादा वैसे प्रिपेयर नहीं करना पड़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाई थी, जैसे तो होते हैं वो प्रिपरेशन नंबर 1 है, वो वाला करना ही होता है। सेकेंडली प्रपोजल अच्छे से क्या करना है, किस चीज के ऊपर 5 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी हो रिसर्च करना है, वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में करना होता है, क्योंकि बहुत साल करना पड़ेगा, तो अगर वो किसी और के इंटरेस्ट में है, किसी और को अच्छा लगता है और मैंने वो लिया, तो मुझे, मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊंगी, सही कह रहे हैं। तो वो वाला चीज। थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमेशा मैं आपसे यही पूछना चाहिए था, मैंने आप बताओ मार्केट में क्या चल रहा है वो टॉपिक दे दो बस आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जब मैं रिसर्च का हम टाइटल डिस्कस करते हैं तो यही कहती हूँ कि आपका अपना इंटरेस्ट बताओ, फिर उसको नैरो नैरो करते 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 हम एक टाइटल पे पहुंचते हैं। तो इसी जी तरीके से ये चीज आपका करना पड़ता है। वैसे आपने जो रिसर्च पेपर 9 क्लासेस से सीखा था, आपने उसी से के मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड ही प्रपोजल क्रिएट किया था फिर? नहीं मैम, रिसर्च पेपर नहीं, रिसर्च प्रपोजल में आपने ही गाइड किया था टाइटल सिलेक्ट करने में, तो अच्छा, मैंने मैंने तो वैसे किया कोई वो बीच में थोड़ी वाला सी था। चैट मिसिंग थी हमारी, क्योंकि वो व्हाट्सएप चेंज हो जाता है ना, इसलिए मैं, आपने रिसर्च पेपर और प्रपोजल दोनों का कोर्स लिया था, फिर उसका टाइटल भी आपने मेरे साथ मिलकर जी डिस्कस मैम, किया था प्रपोजल का भी। हाँ मैम, अच्छा ठीक है, चलो। अब आपको पूरा अच्छे से पता है, कल को कोई और टॉपिक बनाना हो और आराम से आप कर सकते हो, राइट? जी मैम, वो आपने टेक्निक भी बताया था, ऐसा नहीं कि बस कौन सा एरिया में इंटरेस्ट है तुम ये कर लो, आपने पूरा कैसे आप कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज पूरा गाइड किया, तो मैं भी अभी कर सकती हूँ, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है अभी। आई एम्पावर यू, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट, मैं कह रही हूँ एनी पर्सन एम्पावरमेंट जरूरी हाँ है। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर रिसर्च एम्पावरमेंट, दिस शुड बी रिसर्च एम्पावरमेंट नाउ। जी, यस तो अब मैम, आपका रिसर्च पेपर वो वाला पब्लिश हो गया है जो हमने डिस्कस किया था? वो मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेप्ट हो गया है, फुल मैंने सबमिट कर दिया पेपर, अभी कॉन्फ्रेंस का PPT वो प्रेजेंट करना है अगस्त में। प्रेजेंटेशन करना है अगस्त में, ठीक है, चलो ग्रेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपशिखा, एंड फाइनली आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर थैंक फैमिली, कि मतलब वो कैसे खुश है, मतलब उनका कैसा रिएक्शन है? यू मैम। उनका मतलब वो जैसे मैंने अपना रिजल्ट बताया जब निकला था लिस्ट, तो पापा मतलब और मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब फर्स्ट टाइम तो मेरा नहीं हुआ था ना, तो ऐसा लगा, और प्लस तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसमें चांस मिलना थोड़ा सा वैसा है,
बहुत लोग ने भी गया, तो मतलब बहुत खुश हो गए थे वो, बस मतलब बहुत ही खुश हो गए, तो वही बोलना चाहती। ओके ग्रेट। सो और इवन मैं थैंकफुल हूँ हाँ कि उनके ब्लेसिंग से प्लस आपके गाइडेंस से और भगवान के आशीर्वाद से मेरा हो गया। ग्रेट। सो इसी तरीके से आपके साथ आशीर्वाद बना रहे गॉड का भी, और ब्लेसिंग्स है मेरी भी। ठीक है, आगे बढ़ो और परमानेंट प्रोफेसर भी बन जाओ जल्दी से जल्दी, आई होप यही गोल है आपका। जी मैम, चलो बी हेल्दी ऑलवेज, हमेशा खुश रहो एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू दीपशिका, यू मैम, थैंक यू वेरी स्टे ब्लेस्ड मच। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड सभी स्टूडेंट्स प्लीज दीपशिका को जरूर से कमेंट में भी चीयर्स कीजिएगा। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय बाय।